हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलीना दिस टाइम चैनल। तो आज मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ हल्दी बेसन ब्यूटी सोप। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैंने लिया है प्याज सोप। तो मैंने एक प्याज सोप को ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद हम इसे एक साइड में रख देंगे। फिर मैंने लिया एक बॉल। तो बॉल में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन। तो 2 चम्मच हमने बेसन लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच मैंने डाला है हनी यानी कि शहद। तो अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ एलोवेरा जेल। तो 1 चम्मच इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर दिया है। एलोवेरा जेल डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हो चुका है अच्छी तरह से। अब मैं लूँगी एक बर्तन में पानी। मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे पानी को बॉईल कर लिया है। और जो हमारा सोप हमने ग्रेट किया था वो हम किसी भी बर्तन में डालकर इसे मेल्ट कर लेंगे। इसे मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको हम चम्मच की हेल्प से चलाते रहेंगे ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाए। देख सकते हैं आप कि ये मेल्ट हो रहा है। हमारा सूप अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी और बेसन वाला मिक्सचर। तो हमने इसमें ये ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद हमें इसको मिक्स कर लेना है, सूप में अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो अब मैं ले रही हूँ एक बॉल या फिर कटोरी, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें हम लगा लेंगे वैसलीन। तो हमने वैसलीन ग्रीस कर दी है कटोरी में। आप कटोरी की जगह इसमें डिस्पोजल ग्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं। वैसलीन ग्रीस करने के बाद मैं इसमें पोर कर रही हूँ हमारा सोप वाला मिक्सचर। मैंने सोप वाला पूरा मिक्सचर कटोरी में डाल दिया है। अब मैं इसे छोड़ूंगी रूम टेम्परेचर पर सिर्फ 10 मिनट तक के लिए। 10 मिनट के बाद देख सकते हैं आप कि हमारा साबुन जो है वो फ्रीज हो चुका है, जम चुका है। देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है ये। इसे आप डेली यूज़ करें, आपकी स्किन को ये लाइट करेगा और जितने भी आपके डार्क स्पॉट्स हैं उसको भी रिमूव करेगा। स्किन को लाइट बनाएगा, ब्राइट बनाएगा और हेल्दी भी बनाएगा। फ्रेंड्स, यकीन मानिए बहुत ही बेनिफिशियल सोप है। तो एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें।